देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में वरिष्ठ अधिकारी के सख्त कार्रवाई के निर्देश के चलते कल सोमवार को जिले के भोजपुर थाना अंतर्गत अवैध गतिविधियों और नकली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ने में राजगढ़ पुलिस ने सफलता हासिल की है। आईजी जयदीप प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि सोमवार 8 अक्टूबर 2018 को मुखबिर की सूचना पर राजगढ़ जिले में होशंगाबाद से एक गिरोह ऑल्टो 800 कार से भोजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जाली नोटों को बाजार में चलाने के लिए आए हैं, जिसकी जानकारी के बाद राजगढ़ एएसपी सिमाला प्रसाद के आदेश पर एक टीम गठित कर भोजपुर के पास डूंगरी जोड़ पर पुलिस टीम ने दबिश दी। दबिश में तीन आरोपी सुशील विश्वकर्मा, नासिर खान, रामबाबू मीणा के पास से ऑल्टो 800 कार सहित नकली नोट 14,93,000 बरामद किए हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में 2,000 और 500 के नकली नोट थे। कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें राजगढ़ जिले में सिमाला प्रसाद के मिशन में बहुत बड़ी सफलता दिखा दे रही है और लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और तभी और आपकी टीम बधाई के पात्र हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये 2,000 के और 500 के नकली नोटों का जखीरा पकड़ा है आप लोगों ने, और एक गैंग है कि लोकल है और होशंगाबाद के ब्यावरा से समय जगत के लिए राहुल नामदेव की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।